उसके उत्थान में तुम काम करो। और उसी हीन भावना के नाते लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, तुम किसी की बात नहीं सुन रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हाँ भगवान, मुझे लोग कैसे स्वीकार करेंगे, मेरी जाति वाले भी। तो उन्होंने अपनी चादर काशाय वस्तु उसे दी, ले और आज से तुम्हारा नाम होगा नारायण गुरु। अपनी चादर दे दी, महात्मा बन गया। और फिर वहां से चला वो लड़का, ट्रंकूर आया, आकर के पहले अपने जन्म स्थान गांव में गया। सबसे पहले वहां उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, पढ़ाना शुरू किया, समझाना शुरू किया, जगह जगह जाकर के फिर वहां में काम करने लगा। उसकी विद्वता से लोग हैरान होते थे। संस्कृत बोलता था, व्याख्यान देता था, फर्स्ट क्लास वेद वेदांत समझाता था, लोग चकित हो जाते थे। फिर लोग उसके साथ लग गए। तो सबसे पहले काम उसने किया कि उसके जाति में जो लोग, उनका काम धंधा ही था मच्छी मारना, खाना मांस खाना, मदिरा पीना, मदिरा बनाना, चुआना जिसे कहते, घर में मदिरा बनाना पीना यही सब करते थे। छोटी जाति वाले तो क्या करते थे, तो सब उसने बंद कर दिया। और हर एक उसने सबसे पहले एक भगवान शंकर का मंदिर बनाया। सबसे कहा तुम लोग जितने पैसे इनमें बर्बाद करते हो इकट्ठा करो, मंदिर बनाया। अब पंडितों को पता चला कि यहाँ शंकर जी की मूर्ति थी, हरिजन शंकर जी की मूर्ति कैसे पूजे गए। अब उससे लड़ने के लिए आ गए। उसने कहा कि तुम लोग चले जाओ, ये हमारे भगवान है, तुम्हारा भगवान नहीं पूछा। वो सवर्णों का शंकर वहां रखा मेरे पास, हमारा भगवान। मूर्ति प्रतिष्ठा कौन करेगा, मैं करूंगा। भगवान मेरी भाषा समझता है, मैं भगवान की भाषा समझता हूँ, संस्कृत का पंडित हो गया। तो उसने वहां पर शंकर जी की मूर्ति स्थापन की और सारे इड़वा समाज उसके पीछे लग गया। हर एक गांव, कोई गांव नहीं है इड़ुओं का जहां 10 घर हैं वहां भी उसका एक विद्यालय है, प्राइमरी। योजनाबद्ध उसने काम किया और इस समय नारायण गुरु विश्वविद्यालय उसका अपना, नारायण गुरु विश्वविद्यालय होता है। मैं गया हूं उसमें, बोला पूरा का पूरा जितने लोग इड़वा से क्रिश्चियन बने थे सब लौट करके उसने हिंदू बनाए। सब एक व्यक्ति ने पूरे समाज को परिवर्तित कर दिया। अब उस जाति में तुम्हें कोई न तो मांस मदिरा पीने वाला, मच्छी खाने वाला मिलेगा, न तो कोई किसी की छोटा काम जैसे मल निष्ठा उठाना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये सारी जाति बदल गई। अब उसमें तुम्हें मिलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, सन 50 में उनकी मृत्यु हुई वहां पर, सारा समाज बदल दिया। नारायण गुरु विश्वविद्यालय और अब वहां पर एक नहीं, उसने अपने समाज में अनेकों सन्यासी बनाए, ग्रुप के ग्रुप, और सब कुछ उन्होंने प्रस्थानत्र ही पढ़ाया। पढ़े लिखे सन्यासी हैं, विद्वान हैं। मैं गया हूँ उसके आश्रम में, कई बार गया, कई बार उनके साथ त्रिवेंद्रम के बगल में, यहाँ अपन जाते हैं बीच स्नान करने कोगलम, उसके बगल में 7 मंजिला उसका वो समाधि नदी है, जहाँ उसकी 7 मंजिला है, दूर से दिखाई दे नारायण गुरु की समाधि। सारी जाति को बदल दिया उसने एक व्यक्ति, और अब उस जाति के लोगों को इंडवा नहीं करता, कुछ और कही जाते हैं आपको, बदल दिया। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज को मूलतः तो भगवान आगे बता रहे हैं, महर्षे सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता है ये शाम लोक इमा प्रजा।
ये मनुष्य सृष्टि किससे बनी है? का इन 7 ऋषि और 4 मनुओं की संतान है। ये शाम लोक इमा प्रजा, इस सृष्टि में जो प्रजा है, प्रजा माने मनुष्य जाति, सृष्टि में जो मनुष्य समाज है, इन 7-4 11 की संतान है। कुछ महात्माओं ने इसका अर्थ किया है चत्वारो अलग मनवह अलग है। तो महर्षय सप्त पूर्वे, जो पूर्व में हुए हैं 7 महर्षि, महर्षय सप्त पूर्वे भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह और क्रतु, ये 7 महर्षि हुए हैं सृष्टि के प्रारंभ में। पूर्व माने पूर्व मनवंतर में, पहले मनवंतर में, तो बाद के मनवंतर जो होते हैं, हर एक मनवंतर में सप्तऋषि होते हैं। इस समय के सप्तऋषि ये नहीं है, समय के सप्तऋषि अलग है। अत्रि भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु और वशिष्ठ, क्रतु और वशिष्ठ, ये वशिष्ठ जो है ना, ये एक पदवी है जो कि क्रमशः चलती है। ये सप्तऋषि जो हैं, ये प्रथम सप्तऋषि, प्रथम माने पहले मनवंतर, याद रख लो, पहले सृष्टि के एक चक्र को, एक चक्र जो है इसको कल्प कहते हैं, एक चक्र, इसका नाम है कल्प। और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। गीता पुस्तकों में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 4 चीजें बदलती हैं, सप्तऋषि, मनु, मनुपुत्र और इंद्र, ये 4। एक मनवंतर में सप्तऋषि और मनु, मनुपुत्र और इंद्र, इनकी आयु जो है वो एक मनवंतर की होती है। तो अब तक 6 मनवंतर बीत चुका है, 6 बार सप्तऋषि हो चुके हैं, भिन्न भिन्न मनवंतरों के भिन्न भिन्न सप्तऋषि हुए हैं और भिन्न भिन्न मनु हुए हैं और भिन्न भिन्न मनुपुत्र हुए हैं और भिन्न भिन्न इंद्र हुए हैं। इस समय जो इंद्र है हमारे इस मनवंतर का, उसका नाम है पुरंदर, पुरंदर नाम का इंद्र है। और इस समय जो मनु है हमारे इस मनवंतर के, उनका नाम है युवस्वान, युवस्वान मनु। और इस समय के जो सप्त ऋषि हैं उनका नाम एक दिन मैंने बताया था, आप लोगों को नोट किया होगा, जिसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, गौतम, कश्यप, भरद्वाज, कश्यप, कश्यप शुरू होता है, कश्यप, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और
नहीं वो भृगु तो उसमें घपला हो गया है, यहाँ के वहाँ से लगे गौतम है, कश्यप भरद्वाज अत्रि गौतम विश्वामित्र, विश्वामित्र वशिष्ठ गौतम। तो ये हर एक मनवंतर के सप्त ऋषि बदल जाते हैं इस समय, इस समय कश्यप, कश्यप से शुरू हुआ ना, तो इस समय जो अब यहां पर पूर्वे शब्द है, पूर्वे माने महर्षि सप्त पूर्वे, पूर्वे माने प्रथम मनवंतर, जब एक कल्प शुरू हुआ, इस कल्प का नाम क्या है, बारह कल्प, ब्रह्मा के प्रत्येक कल्प का अलग अलग नाम होता है, किसका नाम है बारह कल्प। इस बारह कल्प में अब तक छह मनवंतर बीत चुके हैं, इसका पहला मनवंतर कौन था, स्वयंभू मनवंतर, पहले मनवंतर मनु कौन थे, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के साथ जो सप्त ऋषि हुए हैं उनके नाम है भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये पूर्व मनवंतर के सप्त ऋषि, और इन्हीं सप्त ऋषियों की संतान है। अब इनमें चत्वारह और कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भी उसी मनवंतर के प्रारंभ में पैदा हुए थे, इनको चत्वारह कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार इनको चत्वारह कहा गया है, और मनवा जो मनु है चौदह मनु, इन्हीं से ये मानव समाज उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने चत्वारह मनवा का विशेषण माना है, वो कहते हैं ये चार मनु, वैसे मनु तो अब तक छह हो चुके हैं लेकिन उसमें से चार पूर्व के प्रधान, ऐसा मानते हैं। और इनके द्वारा ही ये प्रजा उत्पन्न हुई। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, आज अपन चल करके चाणक्य, ओम भर्गुवा स्वतुवरेण्य भर्गो देवस्थ धीमह धीरा, ओम विश्वान देव सवितरुता पराशुद भद्रम कन्याशुर सर्वे भ्रमस्किन सर्वे सुनिया सर्वे भद्रा पश्यंतु मात सिद्धिभागे, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमीते पूर्णस्क पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे शांति 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 शांति। नरसिंह सप्तपूर्वे चत्वारो मनमस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकीमा प्रजाय एतां विभुक्ति योगं च मुनयोगे चतुष्पथः सोऽधिकं तेन योगेन विद्यते नाथ। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः
मनवह तथा मदभावा मानसा जाता एशाम लोक इमान जा। पूर्व के सात महर्षि प्रथम कल्प के मन्वंतर में, कल्प के प्रथम मन्वंतर में उत्पन्न हुए सात महर्षि, जैसे कल मैंने बताया था एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं और एक मन्वंतर में सप्तऋषि इंद्र मनु और मनुपुत्र, सप्तऋषि इंद्र मनु और मनुपुत्र, इनका साम्राज्य रहता है। एक मन्वंतर की इनकी आयु होती है। मन्वंतर के साथ ही ये बदल जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मन्वंतर है। मन्वंतर का अभिप्राय होता है मनुओं का अंत, मनु जो है उनका अंत, अंतर माने परिवर्तन, इनका साम्राज्य बदल जाता है दूसरे मनु इंद्र मनुपुत्र और सप्तऋषि, इनका साम्राज्य आ जाता है, तो पूरे मन्वंतर तक उनका साम्राज्य होता है। इसी प्रकार से एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं, एक कल्प में 14 इंद्र 14 मनु मनुपुत्र और सप्तऋषि बदलते हैं। इस 12 कल्प में जो सर्वप्रथम मन्वंतर हुआ उसका नाम है स्वयंभू मन्वंतर। ये मन्वंतर जो होता है ये मनु के नाम पर ही होता है, क्योंकि मनु से ही चलता है, मनु प्रथम पुरुष होता है, उसी के नाम से मन्वंतर। अब उस मनु का अंत, उस मनु के काल में ही इंद्र सप्तऋषि और मनुपुत्र का प्रभाव होता है। तो प्रथम मनु जो हुए हैं वो हुए हैं स्वयंभू मनु। इस मन्वंतर 12 कल्प के प्रथम मन्वंतर का प्रारंभ हुआ है स्वयंभू मनु। भारतीय ज्योतिष विद्या ने सारे काल की पूरी गणना करके उसका लेखा जोखा एक एक क्षण का रखा है। ये प्रथम मन्वंतर कब प्रारंभ हुआ, प्रथम मनु कब पैदा हुए, सृष्टि का पहला प्रारंभ कब से हुआ, बिल्कुल ये सारा ज्योतिष शास्त्र में गणित। ये सातवां मन्वंतर है, 6 मनु का काल बीत चुका है। एक मन्वंतर 71 महायुगों का होता है, 71 महायुगों का एक मन्वंतर होता है। और अब तक 6 मनु बदल चुके हैं, ये 7वें मनु का काल चल रहा है। जिन 6 मनुओं का काल बीत चुका है उनके साथ ही 6 बार सप्तऋषि बदल चुके हैं, इंद्र बदल चुका है, मनुपुत्र बदल चुके हैं। पुराणों में सब मनुओं की कहानी, उनके पुत्रों का नाम, उनके मनु का नाम, तत्कालीन इंद्र का नाम, सब देवकथा में लिखा है। पुराण इस ज्ञान के कोष, यदि
तो ये पुराणों में ये सारी इतिहास की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं संकलित विस्तृत ज्ञान के लिए पुराण को पढ़ने के लिए, उसमें हर एक मनु का काल तत्कालीन, इंद्र तत्कालीन, सप्तऋषि का। तो यहां पर भगवान कहते हैं महर्षय सप्त पूर्वे, पूर्वे माने सर्वप्रथम मन्वंतर में जो सप्त ऋषि उत्पन्न हुए। ये सप्त ऋषि कौन है? कल मैंने इनका नाम बताया था, अभी याद कर लो, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। वो इस कल्प के मनु, या इस मन्वंतर, जिस मन्वंतर में हम रह रहे हैं, जो पहले हुए हैं प्रथम मन्वंतर के सप्तऋषि, उनके नाम हैं भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये तो इस सातवें मन्वंतर के, जिस मन्वंतर में अब हम लोग चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में है सबसे ज्यादा विवेचन इसका नरसिंह पुराण में। सभी मनुओं का नाम है, सभी मनु पुत्रों का नाम है, सभी इंद्रों का नाम है, सभी सप्तऋषियों का नाम है। उसमें 14 मन्वंतरों का पूरा विवरण है। अगले जो 7 आने वाले मन्वंतर हैं उनमें कौन मनु होंगे, कौन मनु पुत्र होंगे, कौन ऋषि होंगे, सब पूरा विवरण पूरे। कारण ये है कि वेद का एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का यह सिद्धांत है कि दुनिया में कोई भी नई सृष्टि नहीं होती। वेद कहता है कि कल्प ब्रह्मा का दिन है और उतनी ब्रह्मा की रात्रि होती है, फिर दोबारा ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। तो ब्रह्मा अपनी खोथड़ी से निकाल कर ये सारी दुनिया फैला देता है और फिर इसको समेट कर प्रलय काल में, यानी अपने दिन के अंत में, अपनी खोथड़ी में रख करके विश्राम करता है। जैसे एक बाजीगर, जैसे एक बाजीगर तमाशे के लिए अपनी झोली से अद्भुत चीजें निकाल करके बाहर रख देता है और तमाशा दिखाने के पश्चात पुनः वो सब चीजों को बटोर कर उसी खोथड़ी में डाल देता है अपनी झोली में। उसकी झोली में यदि देखो तो वहां कुछ नहीं होता, केवल झोली होती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती है, लेकिन वो निकालता उसी झोली से है और डालता उसी झोली में है। तो वेदांत के कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि ये ब्रह्मा जो है ये उस बाजीगर के समान है, जादूगर के समान, अपनी जादू की झोली से ये सारी दुनिया को निकालता है, ऐसे उसको सजा देता है और फिर उसको समेट कर उसी में रख लेता है, अंत में तमाशा जब समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान बागरायण ने इस सृष्टि के विषय में एक सूत्र लिखा, लोकवत्तु लीला कल्लयम, लीला कल्लयम। और इस सूत्र की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में की, जग पेखन तुम देखन हारे, विधिहरि शंभु न चाउन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा। अभिप्राय ये कि ये जो सृष्टि का क्रम है इसका रहस्य कोई जान नहीं सकता,
कल के आदि में ये समिट जाती है और कल के प्रारंभ में ज्यों का त्यों पसर जाती है। इसके समिटने और पसरने की क्रिया एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिसको पौराणिकों ने ब्रह्मा कहा है उसी को सांख्याचार्यों ने प्रकृति कहा है। पौराणिकों का ब्रह्मा और सांख्याचार्यों को प्रकृति, प्रकृति नहीं, प्रकृति का प्रथम परिणाम महत्व जिसे कहते हैं, वो दोनों एक। और सांख्याचार्यों ने कहा कि ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा और कुछ नहीं है, ये महत्व है, क्योंकि अव्यक्त प्रकृति के विषय में तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो अभिन्न है पुरुष से, उसका अस्तित्व है कि नहीं इसको कौन जानता, कौन कह सकता। लेकिन सर्वप्रथम परिणाम जो उसका महत्त्व है, महत्त्व के विषय में भी केवल अनुमान ही प्रमाण हो सकता है और कुछ प्रमाण नहीं है। तो महत्त्व से, महत्त्व में ये सारी सृष्टि रहती है पूरी की पूरी, ज्यों की त्यों बीज रूप से, और उसी से ये चेतन के प्रकाश में पुनः प्रसर जाती है और रूबरू उसी रूप से सृष्टि का आविर्भाव पुनः होता है। प्रकृति के 24 तत्व जो हैं, नितेश तत्व, वो उसी क्रम से प्रकट होते हैं, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। हर एक कल्प में प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहम, अहम से मन, अहम से इंद्रियां, अहम से पंच मात्राएं, मात्राओं से पंच महाभूत, इसी क्रम से, और देव स्वर्ग और त्रियक स्वर्ग और मानव स्वर्ग, ये सब एक ही क्रम से पैदा है, उसी क्रम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता इसके क्रम में। ये नहीं कि पहले देव स्वर्ग पैदा हुआ, फिर बाद में त्रियक स्वर्ग हुआ, मानव स्वर्ग हुआ, तो दूसरे कल्प में पहले मानव स्वर्ग होगा, फिर त्रियक स्वर्ग होगा, फिर देव स्वर्ग, ऐसा नहीं। वो आविर्तिरोभाव, इसलिए सांख्याचार्यों ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, आविर्तिरोभावा। प्रकृति रची नहीं, सृष्टि रची नहीं जाती, फिर क्या होती है, आविर्भूत होती, प्रकट होती है और तिरोभूत होती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कभी अत्यंता भाव होता है। इसीलिए स्फोटवाद के ऋषियों ने ये सिद्ध करने के लिए कि सृष्टि जो है, सृष्टि का मूल कारण जो है शब्द है, शब्द से सृष्टि होती है और शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही सृष्टि रूप में प्रकट होता है और शब्द जो है वही स्वयं को समेट लेता है। तो उन्होंने नाश शब्द की व्याख्या की, नश अदर्शन, कहा जो नाश है क्या है, कहा अदर्शन, अदर्शन का नाम ही नाश और कुछ नहीं, नश अदर्शने, अदर्शने लोप, और अदर्शन क्या है, कहा लोप, लोप माने न दिखाई देना, तो दिखाई दी तो सृष्टि और नहीं दिखाई दी तो प्रलय, बस। इसका केवल दर्शन और अदर्शन, आविर्भाव और तिरोभाव, यही होता और कुछ नहीं, किसी का अत्यंता भाव नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका कभी अत्यंता भाव होता, ये शब्द ब्रह्म के मानने वालों की यही मान्यता है, सांख्य की यही मान्यता है और वेदांत की भी, ये तीनों दर्शन शास्त्र यही मानते हैं और वैशेषिक भी यही मानता है कि सृष्टि का कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसका कभी अत्यंता भाव होता। और ये सब का केवल नाम मात्र का भेद है, इन दार्शनिकों में यदि देखा जाए तो केवल इनमें नाम मात्र का भेद है, बात वही कहते हैं, एक कहता है परिणाम है, दूसरा कहता है विवर्त है, एक कहता है परिणाम, दूसरा कहता है विवर्त है, तीसरा कहता है आरंभ है, अंतर कुछ नहीं। आरंभ है तो आरंभ है, आरंभ माने बिगिनिंग है, आरंभ शब्द का कर्म भी होता है, उसका शब्द अभिव्यक्ति भी होता है। तो ये संकल्प से होता है,
कि चाहे वो विवर्त हो, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वो आरंभ हो, मूल में तो संकल्प ही होता है सबको। और यदि संकल्प को मान ले तब भी ठीक है, यदि संकल्प से पूर्व का मान ले तो संकल्प तो तब होगा जब मन होगा, मन से पहले तो संकल्प हो नहीं सकता। मन होगा तो अहम होगा, ये तो अहम समष्टि का है जिसने संकल्प किया, उससे पहले क्या है? तो उससे पहले भी तो है ना, जिससे अहम प्रकट हुआ समष्टि का। तो इसीलिए सांख्य शास्त्र कहता है कि नहीं, ये अहम संकल्प ये सब कारण में नहीं होता, सत्कार्यवाद का ही सिद्धांत है। और वेद का सत्कार्यवाद ही परम सत्य है, ऐसा विद्वानों का मत है। मेरा भी वेद का सत्कार्यवाद भी है, यथा पूर्वम अकल्प्य सूर्या चंद्रम असंघाता यथा पूर्वम अकल्प्य, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी ऐसे इस कल्प में भी हुई। सृष्टि में कोई नई रचना नहीं हुई, नई बात नहीं हुई, नई घटना नहीं हुई, ये चक्र इसी रूप से चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई नई रचना इसमें नहीं है, क्योंकि 24 जो प्रकृति के वही 24 तत्व है, तो नई रचना कहाँ से आएगी? उसमें नया क्या बनेगा और किस से बनेगा? मन इंद्रियों के बाद नहीं, तन्मात्राएं अहम से उत्पन्न होती, साइमल्टेनियसली अहम ही उसका पूर्ण कारण है। अहम से इंद्रियां और तन्मात्राएं, क्योंकि इंद्रियां और तन्मात्राएं दूसरे को देखते नहीं, वो द्रव्यात्मक है वो गुणात्मक है, इसलिए दोनों साथ साथ हैं। तन्मात्राओं से ये महाभूत उत्पन्न हुई, पंचीकरण बाद लेकिन जो मन इंद्रियों में